जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा। इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो ये लोग मुझे शायरियाँ सुना सुना के एक्स की याद दिला देते हैं। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी। और अगर मैं गलती से यूट्यूब पे चला गया तो भाई ये लोग मुझे एक्स दिखा देते हैं। सबको लगता है मैं एक चांडाल किस्म की औरत हूँ, मुझसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती। तो दोस्तों बढ़ चुका है सब चीजों पे टैक्स और आज हम लोग बात करेंगे सेजल एक्स के बारे में। राम इधर उधर हो गई थोड़ी सी। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल और मैंने देखा एक मच्छर का परिवार मेरा खून खा रहा था तो उन सबकी हत्या करके मैंने उन्हीं को खा। तो भाई इसने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था सबको लगता है मैं एक चांडाल किस्म की औरत हूँ, लेकिन मच्छर खाते हुए देख के मुझे तो लग रहा है ये चांडाल किस्म की औरत नहीं, सच में ही चांडाल है। क्योंकि भाई ये लड़की कभी बच्चों को परेशान करती है, कभी मच्छर खाती है और कभी कभी तो। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल, अभी मेरा मंथन चल रहा है, मेरी सैलरी 1 तारीख को आने वाली है। घर में ना खाना है ना खाने के लिए पैसे, बहुत खोजने के बाद थोड़ा मिक्सर सब्जी बची थी तो मैं उसी को खा गई। कितनी गंदी लड़की है यार ये, मतलब कुछ भी खाए जा रही है। बहुत खोजने के बाद थोड़ा मिक्सर सब्जी बची थी तो मैं उसी को खा गई। लेकिन इसने अपना नाम बहुत सही रखा है सेजल एक्स, क्योंकि एक्स लोग ऐसे ही होते हैं, अच्छी चीज मिलती है तो उसे छोड़ के चले जाते हैं, बाद में बेसिंग से निकाल के मिक्स वेज खाते हैं। कल मेरा बॉयफ्रेंड ने बोला सीट ऑन माय फेस, मुझे लगा कोई गलत चीज है तो मैंने मना कर दिया। फिर आज सुबह उठते ही मुझे बहुत जोर से टट्टी लगी तो मैं चली गई टॉयलेट करने। जैसे ही मैं टॉयलेट में गई मैंने देखा मेरा बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर। भाई जैसी ये है वैसे इसका बॉयफ्रेंड भी है, दोनों माइंड से लॉस। इसने तो अभी सिर्फ मिक्स वेज ही खाया है लेकिन इसका बॉयफ्रेंड खाएगा मिक्स वेज विद तंदूरी सॉस। थकते वक्त बाथरूम में बहुत गर्मी लगती है, क्या करूं? सबसे पहले 250 ग्राम पोलो और विक्स चॉकलेट मिला के खा जाओ और 2 लीटर पानी पी लो। अब जब तू पा देगा बाथरूम एकदम ऐसी हो जाएगा और पखाना निकलेगा एकदम। वाह क्या जवाब दिया है, आपके जवाब का तो कोई सवाल ही नहीं है। सबसे पहले 250 ग्राम पोलो और विक्स चॉकलेट मिला के खा जाओ। ध्यान से देखिए इस औरत को, ये वही औरत है जो पात पात के एसी का आनंद लेती है। अब जब तू पा देगा बाथरूम एकदम ऐसी हो जाएगा। और भाई इस औरत के चक्कर में आके 250 ग्राम पोलो खा मत लेना, नहीं तो एसी नहीं एसी हालत हो जाएगी ना, कि पोलो खा के पिछवाड़े में होलो हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाके बोलोगे सिर्फ खोलो खोलो मेरा पिछवाड़ा जाम हो गया खोलो। अब देखो ये लड़की क्रिंज वीडियोस तो बनाती है लेकिन इसके कुछ कुछ जोक्स ऐसे रहते हैं ना भाई एकदम डार्क ह्यूमर वाले, सच में अच्छे रहते हैं, इसको सुनो जरा। अबे मोटी थोड़ा कम खा, ठीक है खाती हूँ, समझ रहे हो? भाई ये जोक उसी को समझ आएगा जो टोपी और चश्मे वाले मोड को यूज करते हैं, मतलब इनकॉग्निटो वालों को समझ आएगा ये। अब देखो इस औरत का ह्यूमर मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क है, ये कुछ अच्छी चीज भी बताती है ना तो उसमें भी अपना डार्क ह्यूमर डाल देती है, देखो जरा। सर आप पुलिस से हो, वो सर में गाड़ी चलाते वक्त ना हेलमेट नहीं पहनती तो मुझे ना अपनी एक पेंटिंग बनानी थी आपसे, ये वाली। इस पेंटिंग से बनाना अधूरी, हेलमेट पहनना सबसे जरूरी। वियर हेलमेट बी सेफ। देखा वो कहते हैं ना कि इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन उसके अंदर थोड़ी अच्छाई तो होती है, तो दीदी अच्छाई कर रही है, मतलब कह रहे हैं कि हेलमेट पहनो नहीं तो भाई साहब पेंटिंग बन जाएगी ऐसे वाली, तो हेलमेट पहना करो। ओके। अब भाई देखो ये औरत बहुत खतरनाक है और अगर आपको इनकी वीडियोस और देखना है तो इनके इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोस में गालियां कुछ ज्यादा ही हैं और मैं इतनी सारी बीप नहीं लगा पाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। तो आओ अब देखते हैं कुछ रील जिनको देखने के बाद आएगा फील। हाँ भाई आ गया मजा, एक मिनट रुको इस मजे को अभी खराब करता हूँ, अगली रील देखो। माल भाई ये माल है, ये तो क्रिस पिक्चर का काल है, उड़द की दाल है, टेढ़ी मेढ़ी चाल है, मैंने तो बोल दिया, आपका क्या ख्याल है बताओ? भाई सच में इतना गंदा माल मैंने आज तक नहीं देखा, इससे अच्छी तो माल गाड़ी रहती है, कम से कम डब्बे गिनते गिनते टाइम पास तो हो जाता है, लेकिन इसके साथ तो टाइम पास भी नहीं होगा। बेटे मुझे तुम्हारा गेटअप बिल्कुल पसंद नहीं आया अच्छू। और अब मैं आपको एक ऐसा टाइगर दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आप बोलेंगे छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। भाई पहले तो तू अपने पापा के साथ रहा कर, अचानक से ये हमला कर देता है, कुछ हो जाता आज तो। भाई हो गया है तुझे गुप्त रोग, देख पीछे बोर्ड भी लगा है, जाके इलाज करा ले डॉक्टर चौधरी से। छोटी बच्ची हो क्या,
समझ नहीं आता कि साथ रहो। रहन दे भाई, मत कर। अगर कृति सनन ने देख लिया ना तो पता है ना उसकी टांग कितनी लंबी है, वहीं से बैठे बैठे एक लात मारेगी भाई, बहुत दूर जाके गिरेगा तू। नहीं मतलब अपना काम धंधा छोड़ के टाइगर श्रॉफ बने चले जा रहे हैं। अम्मा, ए अम्मा, सारे मिलके हमको पागल बना। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो भी लाइक करो, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। हाँ, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मन कर तो फॉलो करना। चलो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।